मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्रियों, जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में इंदौर से भी आपदा प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। समीक्षा बैठक को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इंदौर की रचना और प्रयासों को सराहा है। साथ ही कहा कि इंदौर सुखद स्थिति में आया है। हालांकि सरकार की मंशा है कि इंदौर अनलॉक हुआ है, लेकिन कोरोना को लॉक करना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात कही और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। मैं आपको तो पूरे जिले में बोल रहा हूँ, सुनने पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले में भी सामने रही है। क्या बताऊँ, वहां भी हम हजारों की संख्या में टेस्ट करा रहे हैं। मैंने बोला ना, लगभग जिले में 3,000 से लेकर लगभग 4,000 की टेस्टिंग वहां भी हो रही है। और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग कभी सभी एक दिन तो 14,000 हो गई थी, 14,566। आज है 10,117। टेस्टिंग भी बढ़िया है और वैक्सीन का भी काम है, क्योंकि वैक्सीन हमारा कवच है। हमने सब लोगों से और इस कमेटी को, आपदा कमेटी को, मुख्यमंत्री जी ने इसको निरंतर जारी रखने का लिखा है। अभी खुलने के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी लोग फॉलो करें, ये प्रशासन को भी उन्होंने निर्देश दिए और जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि वो भी अपना प्रयास करें कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक हुई थी, इसमें उन्होंने संबोधन भी किया था, एक जनरल प्रेजेंटेशन भी हुआ था। अन्य देशों में किस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर, कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बारे में प्रेजेंटेशन बताया गया, विशेष तौर पर UK को लेकर के, ब्रिटेन को लेकर के। और फिर जो एहतियात बरतनी है कि जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उस पर कंटेनमेंट एरियाज बना दिए जाएँ, जो भी पॉजिटिव मेंबर्स आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनकी अनिवार्य टेस्टिंग सैम्पलिंग हो जाए, और गांव क्षेत्र में भी किल कोरोना का लगातार सर्वे चलता रहेगा।